Hello, good morning, 5th standard students. Today we will continue with the exercise of chapter 4 of EVS. What is the solution? We have to remove insects from the grain without using insecticides. मतलब हम लोग को grain जो है चावल दाल का चावल गेहूँ का जो पूरा पूरा गोनी है उसमें से अपने को germs हटाना है, कीटाणु हटाना है बिना insecticide, बिना medicine, बिना कोई केमिकल यूज़ किए कैसे हटा सकते हैं. तो हाँ, वी हैव टू रिमूव इंसेक्ट फ्रॉम द ग्रेन विदाउट यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स. अपने को इंसेक्ट हटाना है ग्रेन में से विदाउट यूजिंग एनी केमिकल्स. तो इसका इजी तरीका क्या है? दो इंसेक्ट्स हैव टू इन्फेस्ट ग्रेन्स देन स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एजेंट. इंसेक्ट्स क्या करते हैं? लव टू इन्फेस्ट ग्रेन्स. उन लोग हमेशा दाने को ख़राब करते हैं, ग्रेन्स को ख़राब करते हैं. दे स्टे अवे फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एजेंट. उन लोग हमेशा जो स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एजेंट होता है, जैसे जिस चीज़ का स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उससे वो लोग दूर रहते हैं. हाउस होल्ड आइटम लाइक बे लीव्स, क्लोव्स एंड नीम लीव्स कैन बी यूज टू रिमूव एंड प्रिवेंट इंसेक्ट फ्रॉम इन्फेक्टिंग द ग्रेन्स. तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? लवंग हो गया, नीम का पत्ती हो गया, ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं ग्रेन्स में से इन्फेक्शन हटाने के लिए, जर्म्स हटाने के लिए. ठीक है. तो दो इंसेक्ट लव टू इन्फेस्ट ग्रेन्स. इंसेक्ट हमेशा ग्रेन्स को इन्फेक्ट करता है. दे स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एजेंट. जो इंसेक्ट्स ये होते हैं, इंसेक्ट्स, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एजेंट से दूर रहते हैं. तो हाउस होल्ड आइटम लाइक बे लीव्स, क्लोव्स एंड नीम्स लीव्स कैन बी यूज टू रिमूव एंड प्रिवेंट इंसेक्ट फ्रॉम इन्फेक्टिंग ग्रेन्स. तो लवंग हो गया, नीम का पत्ता हो गया, बे लीव्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं इंसेक्ट को हटाने के लिए. नेक्स्ट, मेक अप फूड चैन. फ्रॉग, काइट, वॉर्म, स्नैक एंड ग्रास. तो सबसे पहला ग्रास आएगा, ग्रास के बाद काइट आएगा, काइट के बाद वॉर्म आएगा, वॉर्म के बाद फ्रॉग आएगा, फ्रॉग के बाद स्नैक आएगा. इज दिस क्लियर? दिस इज द फूड चैन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फूड चैन? गिव एन एग्जाम्पल. फूड चैन इज लीनियर नेटवर्क ऑफ लिंक इन अ फूड वेब स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म एंड एंडिंग एट अपेक्स प्रेडेटर स्पीसीज. राइट, डेट्रीवोर्स और डिकम्पोजर. मतलब फूड चेन एक लीनियर नेटवर्क है, फूड चेन के एक लीनियर नेटवर्क है ऑफ लिंक ऑफ फूड वेब. फूड वेब का लीनियर नेटवर्क है. स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, एंड एंडिंग एट अपेक्स प्रेडेटर्स, डेट्रीवोर्स और डिकम्पोजर. ठीक है. तो फूड चेन क्या है? इट इज़ अ लीनियर नेटवर्क. ये एक लीनियर नेटवर्क है ऑफ लिंक्स इन फूड वेब स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड एंड विद द डिकम्पोजर. एग्जाम्पल्स, रैबिट दैट ईट ग्रास. रैबिट जो है ग्रास खाता है. ठीक है. तो फूड चेन ए लीनियर नेटवर्क ऑफ लिंक्स इन फूड वेब स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म एंड एंडिंग एट प्रीडेटर स्पीसीज, डेट्रीवोर्स एंड डिकम्पोजर. राइट. इसके बाद एग्जाम्पल्स लिखना है. एग्जाम्पल्स आर रैबिट ईट द ग्रास. रैबिट जो है ग्रास खा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, हाउ इज द बैलेंस इन द एनवायरनमेंट मेंटेन. एनवायरनमेंट बैलेंस कैसे मेंटेन कर सकते हैं? द बैलेंस ऑफ नेचर इज ऑल्सो कंसिडर्ड स्टेट विद द नेचुरल कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एग्जिस्ट. बैलेंस ऑफ नेचर जो है एक कंसिडर्ड होता है जहाँ पे नेचुरल कम्युनिटी है, प्लांट्स और एनिमल. इट इज मेंटेन बाय कंपटीशन, एडॉप्टेशन एंड अदर इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट. मेन आंसर यहाँ से है, द एनवायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन बाय, एनवायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन बाय कंपटीशन, एडॉप्शन एंड अदर इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट. वापस रिपीट करूँ, एनवायरमेंटल बैलेंस मेंटेन बाय कंपटीशन, एडॉप्शन एंड अदर इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी एंड नॉन लिविंग एनवायरमेंट. इज दिस क्लियर? तो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ वापस. पहला आंसर क्वेश्चन था, वी हैव टू रिमूव इंसेक्ट फ्रॉम ग्रेन विदाउट यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स. अपने को ग्रेन में से इंसेक्ट हटाना है तो क्या करने का? द इंसेक्ट्स जो है लव इन्फेस्ट ग्रेन्स. उन लोग इन्फेस्ट ग्रेन पसंद करते हैं धान को. दे स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एजेंट. इंसेक्ट्स जो है स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एजेंट से दूर रहते हैं. तो हाउस होल्ड, घर के जो आइटम है, जैसे बनिया, बे लीव्स है, क्लोव्स एंड नीम्स कैन बी यूज टू रिमूव द इन्फेक्ट्स. इंसेक्ट्स को हटाने के लिए ये सब पत्तियाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, यूज़ योर ब्रेन पावर, मेक अ फूड चैन. फूड, काइट, वॉर्म, स्नैक एंड ग्रास है. तो इसमें ग्रास पहले आएगा, फिर काइट आएगा, फिर वॉर्म आएगा, फ्रॉग आएगा, स्नैक आएगा. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज,
व्हाट इज द फूड चेन? फूड चेन का मतलब क्या होता है? फूड चेन इज लीनियर नेटवर्क ऑफ लिंक इन वेब फूड वेब स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड एंडिंग विद द प्रेडेटरी स्पीसीज डेट्रिटिवर्स और डीकम्पोजर. ठीक है, उसके आगे उसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स है रैबिट ईट द ग्रास. हाउ इज द बैलेंस इन मेंटेन? तो यहाँ पे लिखना है इट इज देन मेंटेन बाय कंपटीशन एडॉप्शन एंड अदर इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट. इज दिस क्लियर? कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे. अगर मेमोराइज नहीं हो रहा है तो फिर भी बताइएगा, मैं सिंपल वर्ड्स में करके दे दूंगा. डाउट होगा तो पूछिएगा. थैंक यू, धन्यवाद.